आप देख रहे हैं हिमांशु यादव मंत्री नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी का विशाल शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में उत्तम नगर हिमालय सागर से लेकर किरण गार्डन के हनुमान मंदिर तक हजारों की तादाद में लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहेंगे हिमांशु यादव इस शोभा यात्रा को लेकर के। उसके पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नजफगढ़ जिला के हिमांशु यादव के जिस प्रकार से शोभा यात्रा देखी गई वहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी तादाद में भीड़ दिख रही थी। उस कार्यक्रम में भंडारा का भी बहुत बड़ा आयोजन चल रहा था। ये जो हमारे धार्मिक जो भी परंपराएं हैं, हमारे धार्मिक जुलूस हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाती है और चाहे दूसरा जो मजहब है उसके नाम पर कुछ भी छूट दे दी जाती है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, ढील दे दी जाती है। तो हम उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है हम उसकी रक्षा करने के लिए और अपने सारे साथियों के साथ यहाँ मौजूद है। छठ पूजा पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश की है, वो एक धार्मिक त्यौहार है और जो ये पाबंदी लगाई जा रही है इसका सीधा सीधा केजरीवाल जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमारे जो त्यौहार हैं, हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, उन पर बैन लगाया जाता है और दूसरी धार्मिक जो धर्म है उनके त्यौहारों पर चाहे कितना भी कुछ भी बुरा प्रभाव हो देश के अंदर वो सब खोल दिया जाता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, इसी के लिए हमने ये मैसेज दिया है कि हम अपने जितने भी धार्मिक समारोह हैं खुल के मनाएंगे, हमें आज़ादी है, कोई ऐसी सरकार हमें रोक नहीं सकती जो इस तरह की राजनीति करती हो। देखिए ये तो धार्मिक है, रैली है और इसमें जो है सबको मिलजुल कर और जो है धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा हमारा धर्म सर्वोपरि भी, क्योंकि हमारा जो देश है गुरुओं का देश है, इसीलिए हमारा देश आज भी गुरु है, कल भी गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा। हमारे में कमी यही है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, आज हमें एकत्रित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई आज एकत्रित हुए हैं हम एक दूसरे के लिए जान से जान लड़ा देंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने देश पे, हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देंगे।